नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉटस्टॉक्स पेट्री कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। बाजार हल्की बढ़त के साथ खुले। कारोबारी सत्र में निफ्टी ने 8100 के स्तर को छुआ, लेकिन इसको टच करने के बाद बिकवाली हावी हुई और आखिरी घंटे में बाजार लाल निशान में चला गया। बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हुए। अगर सेक्टोरल बेसिस पे देखें तो तेल, गैस और मेटल शेयरों पर दबाव देखने को मिला। हालांकि बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कैपिटल गुड्स शेयरों में ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिला। केमिकल और फाइनेंस शेयरों में भी आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन इस मार्केट में अलग अलग एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, आइए सुन लेते हैं। देखिए, स्टॉक्स तो मैं रेकमेंड नहीं कर सकता, बट ये जरूर बोल सकता हूँ कि लार्ज कैप्स में पैसे बनेंगे और जो सेक्टर पिटे हुए थे लास्ट एक डेढ़ साल में, जहाँ वैल्यूएशंस काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, यू नो, कंजम्पशन स्पेस में या आईटी स्पेस में या फार्मा स्पेस में, वहाँ काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। थोड़े हायटेस्ट के बाद यही सेक्टर और यही स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे। आईटी में दो लार्ज कैप में हमारा टीसीएस और एचसीएल टेक ओवरवेट है और मिड कैप में वी आर वेरी वेरी बुलिश ऑन माइंडट्री। हमें लगता है माइंडट्री की गाइडेंस भी पॉजिटिव है। द स्टॉक इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव और इस भाव से यहाँ से 20% अपसाइड दिख सकता है। ऑन फार्मा वी आर सेलेक्टिव, वी वांट टू स्टे विद टू लार्ज कैप नेम्स, दैट इज डॉक्टर रेड्डी एंड सिप्ला। डॉक्टर रेड्डी ऑन द बैक के उसकी काफ़ी FDA इशू सॉल्व हो गए हैं और उसकी पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रांग है। साथ में जो आपकी CISF कंट्रीज हैं वहाँ पे उसके काफ़ी ट्रैक्शन होगी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द करेंसी। और सिप्ला बिकॉज ऑफ दिस सेरफ्लो जो इनको अभी अप्रूवल मिला है, प्लस उनका डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। 550 रुपये पे सिप्ला में भी आप निवेश कीजिए तो आपको यहाँ से 650 का भाव आपको ईयर एंड तक दिखता है। इसमें आप दो मिड कैप नेम भी ऐड कर सकते हैं ऑन करेक्शन, ग्लेनमार्क एंड बायोकॉन, जो अपने रेस्पेक्टिव सेक्टर्स में बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक्सपर्ट की राय भी आपने सुनी और उनके पसंदीदा स्टॉक्स कौन से हैं वो भी आपने जाना। लवलेश शर्मा आज के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। लवलेश, गुड इवनिंग। आपने एक्सपर्ट्स की राय तो सुनी ही, और आपसे अगर मैं पूछूं, हालांकि आज एक अच्छी तेजी बनी, लेकिन ऑलमोस्ट आखिरी जो एक घंटा था वहाँ अप्रोच करते करते बिकवाली हावी होगी और काफ़ी हद तक मेटल्स और बैंकिंग काउंटर्स की वजह से ये प्रेशर बढ़ा। FNO एक्सपायरी भी है, उससे पहले अब मार्केट ने जो चाल दिखाई, एक्सपायरी कैसी देख रहे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग। मेरे ख्याल से अगर आपने मार्केट की ओवर एक चाल देखी हो इस हफ्ते, स्पेशली जब हमको एक एक्सपायरी हो रही है कल, मेरे ख्याल से मार्केट एक अभी भी रेंज बाउंड है। आप अगर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कंसंट्रेशन देखें तो देर हैज़ बीन अ लॉन्ग लिक्विडेशन ऑन द कॉल्स साइड, एंड जो अगर आप पुट्स देखें तो वहाँ पर भी एक लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है। शॉर्ट बिल्टअप हम होता हुआ देख रहे हैं, बट दैट इज़ ऑन द वेरी टाइट रेंज, दैट इज़ एट 8100 टू 8150 ऑन द हायर साइड एक रेजिस्टेंस बन जाता है मार्केट का, जबकि 7950 और 8000 मेरे ख्याल से वी आर हैविंग ऑल्सो यू नो गुड अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट देयर। एज पर द डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स मैं एक्सपायरी तक के थोड़ा सा एक न्यूट्रल बुल लेना चाहूँगा। कंसोलिडेटेड ही रहेगी रेंज, 7950 नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 8100 एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर हम एक आने वाले दिनों में क्लोजिंग देते हैं तो हमारा मिड टर्म एक व्यू पॉजिटिव बनता है, वरना शॉर्ट टर्म में हम कंसोलिडेशन जोन में है। निवेशकों को फिर भी अगर कोई एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी है एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए आने वाले दो तीन दिन में, तो बायोन डिप्स की सलाह रहेगी 7890 एक बहुत अच्छा एक स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट टर्म में। उसके साथ ऊपर में मेरे ख्याल से 8130 एक बार ब्रीच होता है तो हम 8200 तक की भी रैली देख सकते हैं। तो 7950 ये हम सपोर्ट है निफ्टी के लिए, यहाँ पर एक तौर पे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। कई लोग सवाल भेज रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए भी, फेसबुक के जरिए भी। आपको तरीका बता दें, आप भी किसी शेयर पर सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारी टोल फ्री लाइंस पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर अपने शेयर का नाम लिखकर किस भाव पर आपने खरीदा है मेंशन करें और उसे भेज दें इस नंबर पर। साथ ही फेसबुक पर जाकर जी बिजनेस ऑनलाइन पेज पर जुड़ सकते हैं आप और अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। पहला सवाल हम शामिल करें राजीव का, कोलकाता से भेजा है इन्होंने। RBL बैंक पर इनका क्वेश्चन है, 400 शेयर्स हैं जो कि 350 के लेवल पर खरीदे हुए हैं। लवलेश, RBL बैंक इस साल की अच्छी लिस्टिंग्स में से एक है, आपकी सलाह क्या है, RBL बैंक में क्या करना चाहिए इन स्तरों पर?
बिल्कुल मेरे ख्याल से शानदार लिस्टिंग हुई थी और एक अच्छा खासा रिटर्न भी दिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ा सा एक साइडवाइज करेक्शन है जो काफ़ी कुछ चार्ट पे ड्यू था। हम पहले भी ये स्टॉक रिकमेंड कर चुके हैं, अगर मैं थोड़ा सा इनका नज़रिया समझूँ कि थोड़ा एक मिड टर्म में लंबा है तो मेरे ख्याल से इसमें बने रहिए। आपको होल्ड की सलाह दूंगा। 327 आ रहा है, मेरे ख्याल से स्टॉक ने एक गुड अमाउंट ऑफ करेक्शन देख चुका है। ऑलमोस्ट एट 50% रिट्रेसमेंट हम आ चुके हैं जहाँ से ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। वहीं हमें एक शॉर्ट टर्म में एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन भी दिख रही है टेक्निकली, जो काफ़ी कुछ इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देगी। आप बने रहिए, मैं आपको एक फ्री पिक स्टॉप लॉस दूंगा नीचे में 305, जो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में एक सपोर्ट करेगा। आपको आपकी कॉस्ट थोड़ी सी ऊपर है, आपको मिल सकती है, तो होल्ड कर रखिए इस स्टॉक में। तो RBL बैंक आज थोड़ा गिरावट के साथ क्लोज हुआ है, लेकिन बने रहने की सलाह है। फोन लाइन पर अब मयंक है। मयंक जी नमस्कार, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है। हेलो मैम जी। मयंक हाँ जी, मैंने गीतांजलि जेम्स किया है 62.62 पे 1000 शेयर 3 मंथ बैक। तो व्हाट शुड आई डू? कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं मयंक? 3 महीने से। ठीक है, अगले 3 महीने और रख सकते हैं? आई कैन कीप इट फॉर 6 मंथ्स मोर। ओके फाइन। लवलेश ऑलरेडी 3 महीने से होल्ड किया हुआ है, 6 मंथ्स और इसे दे सकते हैं। 62 ऑड लेवल्स की खरीद है, 54 आज की क्लोजिंग रही है, नुकसान में है। अगले 6 महीने के लिए क्या लक्ष्य आप देखते हैं और कोई स्टॉप लॉस अगर इन्हें मेंटेन करना है तो वो किस स्तर पर लगाना चाहिए? बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये जो स्टॉक है, यू नो दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज़ लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड, जो ऑर्गेनाइज है भी मेरे ख्याल से दैट इज़ ओनली 30% एंड वो 80% रेवेन्यू कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल सेल्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। मेरे ख्याल से अगर फंडामेंटली देखें तो ये एक पर्टिकुलर सेक्टर एक रिवाइवल मोड में है। काफ़ी ज्वेलरी से रिलेटेड स्टॉक्स, गोल्ड से रिलेटेड स्टॉक्स मेरे ख्याल से एक बाउंस बैक मिला है और सस्टेन भी कर रहे हैं। ये सेम लेवल है जहाँ से स्टॉक ने एक रनअप दिया था 90 के लेवल्स पे। वीकली चार्ट में लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के पास आ रहा है, 6 महीने का व्यू है, तो बिल्कुल इनको निवेश के मैं बने रहने की सलाह दूंगा। अगर फिर भी इनको एक स्टॉप लॉस चाहिए तो ऑन द डाउनसाइड 46 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप उसका स्टॉप लॉस लेकर प्ले रहें, मतलब बने रहें, होल्ड की सलाह रहेगी। एक बार ये स्टॉक ऊपर में 61 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मेरे ख्याल से वापस इसमें हम एक 79-85 तक के रैली देख सकते हैं। तो 61 एक अहम लेवल है स्टॉक के लिए, 61 अगर क्रॉस करता है तो 80 तक का स्तर भी दिख सकता है, तो फिलहाल बने रहने की सलाह आपको दी गई है। फोन लाइन पर आप मिस्टर डीके मिश्रा हैं दिल्ली से। मिश्रा जी नमस्कार, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैडम नमस्कार जी। मैडम मेरे पास 100 शेयर मैंने खरीदे थे 1800 रुपए के स्प्लिट से पहले, वी गार्ड ठीक है। हाँ, तो अब वो स्प्लिट के बाद 180 रुपए का रेट मुझे पड़ रहा है, 1000 शेयर मेरे पास हैं। तो अभी ये 226 से नीचे आके 160 के आसपास हो गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसमें एग्जिट करूँ या होल्ड करूँ? कितनी पुरानी खरीद है आपकी अगर आप रिकॉल कर पाए? हाँ मैडम, ये लगभग 10 महीने पुरानी खरीद है। ठीक है ठीक है। लवलेश वी गार्ड की बात कर रहे हैं, स्प्लिट के बाद अब 180 हो गए इनका बाइंग प्राइस और उस लिहाज से देखें तो 155 के आसपास ये आज क्लोज हुआ है। आज दिन के निचले स्तरों पर आखिरी एक घंटे में इसमें डिप काफी शार्प देखने को मिला, एक शार्प कट के साथ स्टॉक क्लोज हुआ। आपकी सलाह क्या है, क्या करना चाहिए अभी वी गार्ड में? पर्टिकुलरली कंपनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एक सेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रन हुआ था, मेरे ख्याल से ओवरड्यू करेक्शन चल रहा है स्टॉक में। शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई हम एक मोमेंटम देख नहीं रहे जहाँ पर हमको एक रिकवरी दिख रही है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने आज भी एक यू नो ऑन द डाउन साइड क्लोजिंग दी है, जो अपने क्रूशल सपोर्ट्स थे वहाँ से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। 144 का इनको स्टॉप लॉस दूंगा और होल्ड की सलाह दूंगा। अगर 144 ब्रीच करता है तो मेरा सलाह रहेगी आप इसमें से निकल जाइए, दूसरे काफी अट्रैक्टिव यू नो स्टॉक्स हैं जो इस पर्टिकुलर स्पेस से अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। 144 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए आप स्टॉक में। तो 144 पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अगर वो ब्रीच हुआ तो फिर आपको एग्जिट करना है, अदरवाइज थोड़ा समय अभी बने रहें, आपकी बाइंग से थोड़ा सा पास आने दें इसे। अगले दर्शक का सवाल हम लेते हैं विपिन का, दिल्ली से ही है क्वेश्चन, क्विक हील पर इनका सवाल है। 100 शेयर्स हैं जो कि 245 के स्तर पर लिए हुए हैं, इनको एक अच्छा मुनाफा भी हो रहा है, 100 शेयर्स हैं उस लिहाज से देखा जाए तो हर शेयर पर 6 रुपये का फ़ायदा इन्हें मिल रहा है। अभी जैसे सरकार का फोकस भी है डिजिटाइजेशन पर और ऐसे में जो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वो एक बड़ी बेनिफिशरी हैं इस पूरे ही सिनेरियो की। क्विक हील अभी आगे आपको क्या लगता है, इस पर अप ट्रेंड कितना बाकी है, क्या करना चाहिए इसमें?
होल्ड की सलाह रहेगी? देखिए बहुत अट्रैक्टिव स्पेक्स है, काफ़ी कुछ हम वेस्टर्न डेवलप्ड मार्केट्स में देखें तो इट सेल्फ इज़ अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन, जहाँ पर बड़े प्लेयर्स मेरे ख्याल से पैसा लगाने की एक तरह से थीम अप्रोच कर रहे हैं. साइबर सिक्योरिटी आईटी, स्पेशली आईटी फील्ड में इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग गोइंग फॉरवर्ड. यहाँ से हाउ द पॉलिसीज पैन आउट जो गवर्नमेंट्स की हैं स्पेशली रिलेटेड टू दिस सेक्टर विथ डिजिटाइजेशन, हम वो अभी देखेंगे. बट उसका सबसे लार्जेस्ट बेनिफिशियरी मेरे ख्याल से क्विकल होगा, और ये एक वो कंपनी है जो इस पर्टिकुलर सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है और मार्केट में अवेलेबल है. इनको होल्ड की सलाह दूंगा. अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो बने रहिए. शॉर्ट टर्म में अगर इनका ट्रेडिंग का भी एक व्यू है तो थंब रूल के हिसाब से आप 50% प्रॉफिट बुक करें और 50% के साथ बने रहिए. लेकिन अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया एक पोर्टफोलियो के हिसाब से बाइंग की अप्रोच लेकर चलें तो होल्ड कर चलिए स्टॉक. मेरे ख्याल से आने वाले समय में पॉसिबल अपसाइड है इसमें 20-25% मोर. तो 250 रुपये पर ऑलरेडी क्लोजिंग रही है, 20-25% का इजाफा आप दिख सकता है, लेकिन थोड़ा समय देना होगा. अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इसमें निवेश किया है तो आप 50% मुनाफा अपना बुक कर सकते हैं. फोन लाइन पर अब नवीन है हरियाणा से. नवीन जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका. मैडम मेरे पास IOC के 1500 स्टॉक्स हैं, 610 के रेट पे अगस्त में दिए थे. कब से होल्ड कर रहे हैं, कितने समय के लिए आपने खरीदा है? मैंने खरीदा तो लॉन्ग टर्म का है बट काफी नीचे चला गया था, मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है ठीक है. इनका ऑलमोस्ट आधा हो चुका है जो बाइंग प्राइस है उससे. वेल्थ देखें तो 316 पर क्लोज हुआ है, 600 से ऊपर की खरीद है. लवलेश काफी परेशान भी लग रहे थे, इनके लिए आपका सुझाव क्या है, क्या करना चाहिए अभी IOC में? देखिए ऑलरेडी होल्ड कर चुके हैं ये, काफ़ी कुछ दे हैव सीन द डाउन एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक. 316 पे ट्रेड हो रहा है. मेरे ख्याल से स्टॉक में अब एक लॉन्ग टर्म बुलिश मोमेंटम बना है. जिस तरह से हमने जो तेज़ी देखी स्पेशली एनर्जी और OMC कंपनीज में, मेरे ख्याल से दिस विल बी वन ऑफ द सेक्टर्स जो 2017 में आउट परफॉर्म करेगा, फॉलोड बाय IT एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस. तो ऑफकोर्स इसमें बने रहने की सलाह दूंगा. थोड़ा सा दे हैव सीन द वर्स्ट साइड, तो आप इसमें अपना जो नज़रिया है वो लंबा रखें. 286-285 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. अगर ये स्टॉक वीकली बेसिस पे इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो ही आप एग्जिट हुए, वरना इसमें होल्ड कर चलने की सलाह रहेगी. तो नुकसान काफी हुआ है इसलिए अभी जल्दी ना करें एग्जिट करने के, थोड़ा समय और इसे दें, फिलहाल होल्ड करने की सलाह है. अभिनंदन का सवाल है उड़ीसा से. MIC इलेक्ट्रॉनिक्स पर 200 शेयर्स ले रखे हैं 14.80 रुपए पर. MIC इलेक्ट्रॉनिक्स अभी इन स्तरों पर कैसा लगता है आपको लवलेश? देखिए स्टॉक जो है पर्टिकुलरली 14 रुपीज़ के लेवल पे एक रिवाइवल हमने देखा था स्टॉक में, एक ब्रेकआउट आया था टूवर्ड्स 18 और लेवल, तो मेरे ख्याल से इन्होंने उसी को प्ले करा है. होल्ड की सलाह रहेगी क्योंकि काफ़ी कुछ इस स्टॉक ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 ईयर्स के बाद एक ब्रेकआउट दिया है. एक कप एंड हैंडल पैटर्न बोल सकते हैं, मेरे ख्याल से स्टॉक में कप ऑलरेडी बन चुका है. टेक्निकली वी आर सीइंग अ हैंडल पैटर्न, हैंडल पैटर्न थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहता है. तो आने वाले समय में 12-13 रुपये से डाउनसाइड से ऊपर में 16-17 रुपये तक का एक कंसोलिडेशन रहेगा. अगर नज़रिया लंबा है तो इसमें आपको 23-24 रुपये तक का टारगेट मिलता है. शॉर्ट टर्म आपका ट्रेडिंग नज़रिया है तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक में पोटेंशियल है वापस 17-18 रुपये टच करने का. आपको एक स्टॉप लॉस दूंगा ऑन द डाउनसाइड 11 जो नियरेस्ट मेरे ख्याल से सपोर्ट है, इसके नीचे क्लोज करता है तो एग्जिट करिए, वरना स्टॉक में बने रहिए. थोड़ा सा एक पोटेंशियल है, बुलिश मोमेंटम बनाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा. थोड़ा समय लग सकता है आपकी बाइंग को ये यू नो एक्सीड करे उससे ऊपर आए, इसलिए फिलहाल थोड़ा सा होल्ड करें. अब जान लेते हैं वो 20 स्टॉक्स जहां पर कल आप मुनाफा कमा सकते हैं. कल अहम दिन भी है, दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी है. तो पहला स्टॉक लिस्ट में होगा REC का, बाय कॉल है. आज देखा जाए तो इस पूरी सीरीज में सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में से एक का. एक्सपायरी से पहले शेयर में आज शॉर्ट कम भी देखने को मिली, अच्छे गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है. कल के सेशन में 126 के तक के टारगेट्स आप रख सकते हैं, 118.5 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है. दूसरा स्टॉक होगा शुगर स्पेस से, धामपुर शुगर का बाय करने की सलाह है. यहाँ पर प्रमोटर्स ने गिरवी रखे हुए शेयर छुड़वाए हैं. ICICI बैंक से 5 लाख गिरवी शेयर प्रमोटर्स ने छुड़ाया है, जिसके बाद हमने देखा ऑलमोस्ट 2% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है. 128 तक के लेवल्स कल दिख सकते हैं, 120 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा. क्विक हील, इस पर थोड़ी देर पहले दर्शक का सवाल भी था, एक बाय कॉल है. सरकार ने बैंकों से साइबर सुरक्षा बढ़ाने को कहा है और कंपनी साइबर सुरक्षा के कारोबार में है, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी आने वाले दिनों में ये रह सकता है. बाय करके चलें 260 के टारगेट्स के लिए, 250 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं. अगला शेयर जो नज़र पर होना चाहिए वो है INOX लेजर का.
पांच दिन में दंगल फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 150 करोड़ के पार हो चुकी है और अब न्यूयॉर्क के दौरान बिक्री में एक इजाफे की उम्मीद है। पॉजिटिव ट्रिगर है जिसके चलते आप बाय कर सकते हैं। 235 के टारगेट्स के लिए 226 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। भारत फाइनेंशियल होगा अगला शेयर जहां नजर रख सकते हैं। कंपनी में मॉर्गन स्टैनली ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। 13 दिन की गिरावट के बाद शेयर में 2 दिन से तेजी देखने को मिल रही है और इन पिछले 2 सेशंस में देखें तो शेयर करीब करीब 20% तक उछला है। आज भी ऑलमोस्ट 10.5% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ। यहां पर बाय करें 600 के टारगेट्स के लिए 570 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। दिलीप बिल्डकॉन होगा अगला शेयर जहां नजर रखें। इंडिया रेटिंग ने कंपनी के कर्ज की रेटिंग बढ़ाई है। लंबी अवधि के कर्ज की रेटिंग INDA से बढ़ाकर INDA की यानी INDA- से रेटिंग बढ़ाई गई है। अपग्रेड स्टॉक में देखने को मिला है। आज 0.5% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। यहां पर कल 227 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 219.5 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। टाइगर स्पेस की टायर स्पेस की कंपनी है JK टायर, बाय कर सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड ने NCD शेयर के जरिए रकम जुटाने को मंजूरी दी है। 117 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 110 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। सन फार्मा होगी अगली कॉल जो कि एक बिकवाली की कॉल है। यहाँ पर अहमदनगर इकाई से में जो आग लगी है वो कंपनी के लिए एक नेगेटिव ट्रिगर है। API उत्पादन करती है कंपनी। नेगेटिव खबरें रही हैं सनफार्मा को लेकर, थोड़ा दबाव आज भी देखने को मिला। ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग रही है। कल के सेशन में सेल करें। 600 के लक्ष्य के लिए 625 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। टाटा मोटर्स DVR एक ऑटो स्पेस की ही कंपनी है, सेल करके चले। निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर रहा। 2 दिन की तेजी के बाद शेयर में मुनाफा वसूली आज काफी हावी रही। यहां पर 291 की क्लोजिंग आज देखने को मिली है। कल के सेशन में 283 के लक्ष्य के लिए सेल करें। 294 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगला शेयर होगा अपोलो टायर का। भारी वॉल्यूम्स के साथ शेयर में बिकवाली देखने को मिली है। हाल में आई तेजी के बाद एक मुनाफा वसूली आज हावी रही है। यहां पर आपको करना होगा सेल। 175 के लक्ष्य के लिए 185 का स्टॉप लॉस लगाएं। इनफैक्ट लवलेश, इन 10 स्टॉक्स में से कोई शेयर जो आपको पसंद आया हो और खासतौर इसमें टायर के 2 स्टॉक्स थे, टायर शेयर पर आपका आउटलुक क्या है अभी? जी बिल्कुल, कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक अगर आप 2016 देखें तो कुछ एक दो कमोडिटी हैं, हमने शुगर स्टॉक्स भी देखा उसमें रिकमेंड हुए हैं। मेरे ख्याल से यही दो कमोडिटीज़ हैं जिन्होंने 2016 पूरा डोमिनेट करा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 3 मंथ ऑफकोर्स पोस्ट डिमोनेटाइजेशन एंड समवॉट फेस्टिव सीजन, इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे करेक्टिव जो एक वेव आई थी मेरे ख्याल से कम्प्लीट हो चुकी है। और JK टायर मेरे ख्याल से आपको एक नाइस अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन द शॉर्ट टर्म। 111 के लेवल पर आ रहा है। वीकली चार्ट पे इसने एक हैमर पैटर्न बनाया है प्लस डेली चार्ट में उसको सस्टेन करा है, तो मेरे ख्याल से JK टायर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी फेवरेबल है। ऑन द डाउन साइड 104 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑन द हायर साइड 120-125 से इसमें एक पोटेंशियल है जिसकी रैली का 23.6% आता है। दूसरा स्टॉक धामपुर शुगर रहेगा। शुगर रिलेटेड स्टॉक है, मेरे ख्याल से एक रिवाइवल आया है। उत्तर प्रदेश और TN जो मेन इसके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, आई थिंक हम उनमें एक फ्लैट टू बियरिश सॉरी मतलब नेगेटिव एक देखेंगे प्रोडक्शन के जो आंकड़े, तो इनको आने वाले समय में और उसका फ़ायदा मिलेगा। जो करेक्शन आना था स्टॉक में आ चुका है। 130 और लेवल से 115-116 तक के एक न्यू एक मोमेंटम बन रहा है बुल्स के लिए। इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस 115 रहेगा, ऊपर में टारगेट 135 रहेगा। ऑलराइट, चलिए अब जान लेते हैं बाकी के स्टॉक्स कौन से हैं। 11वें नंबर पर है IFCI। NSE ने IPO के लिए सेबी को ड्राफ्ट पेपर सौंप दिया है। NSE की IPO के जरिए करीब 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। IFCI की क्योंकि एक अच्छा खासा स्टेक भी है, NSE के अंदर एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है इस लिस्टिंग से। यहाँ पर आप बाय करें 27 के लक्ष्य के लिए। 24 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। अगला शेयर होगा PVR का। शेयर में वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली है। अपने 200 दिनों के एवरेज पर यह लगातार सपोर्ट ले रहा है। आज ऑलमोस्ट 5% के गेंस के साथ क्लोज हुआ है 1107 के लेवल्स पर। कल के सेशन में 1125 का सर दिख सकता है। 1096 यानी 1096 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। अगली बाय कॉल है LNT फूड्स की। अंतिम चरण में वॉल्यूम के साथ खरीदारी दिखी है और अगर इसके वीकली और मंथली चार्ट देखें तो बेहद पॉजिटिव लग रहे हैं। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 6% ऊपर था। कल 286 के लक्ष्य दिख सकते हैं। 275 का स्टॉप लॉस आप लगाएं। याद रहे सभी कॉल्स इंट्राडे के लिए हैं, तो स्टॉप लॉसेस आप जरूर मेंटेन करें। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट होगा अगला शेयर जहां पर बाय कर सकते हैं। टुंडा रियल एस्टेट शेयरों में एक पुलबैक देखने को मिला है। एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग बढ़ सकती है। यहां पर बाय करें। कल के सेशन में 73.5 के लक्ष्य के लिए 69 का स्टॉप लॉस लगाएं।
अगला स्टॉक होगा CCL प्रोडक्ट्स का, एक और बाय कॉल है, सभी अहम एवरेजेस के ऊपर शेयर क्लोज हुआ है और ब्रेक देखा जाए तो दो हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ आज इसमें बाइंग देखने को मिली है। यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं 267 के लक्ष्य के लिए, 258 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। अगला स्टॉक है कमिंस का, दो सत्रों से शेयर में खरीदारी जारी है, जनवरी वायदा में लगभग 94,800 शेयर जुड़े हैं, तो एक संकेत है कि कल तेजी इसमें दिखेगी। 824 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 807 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर है कैपिटल फर्स्ट का, इनफैक्ट कंपनी की एक बोर्ड बैठक भी है कल और बोर्ड बैठक में रकम जुटाने को लेकर एक अहम फैसला हो सकता है, तो आप नजर रख के चलें 546 के टारगेट्स के लिए, 530 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। CSE होगा अगला शेयर, दिसंबर सीरीज के उच्चतम स्तर पर शेयर क्लोज हुआ है, जनवरी वायदा में लगभग 4.25 लाख शेयर इसमें जुड़े हैं, संकेत है कि यहां पर तेजी आएगी, बाय करें 644 के टारगेट्स के लिए, 626 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगले दो शेयर बाकी हैं, MT एडुकेयर है अगला शेयर, एजुकेशन शेयरों में एक पुल बैक देखने को मिला है और अपने 200 दिनों के एवरेज जो 124 का स्तर है उसके आसपास ये स्टॉक रहा है। यहाँ पर 124 के लक्ष्य कल अचीव होते हुए दिख सकते हैं, 114 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अब आखिरी शेयर जो नजर पर होना चाहिए, हिम्मत सिंघा सीडे, 50 दिनों के एवरेज के ऊपर आज क्लोजिंग रही है, कल बाय करें 292 के लक्ष्य के लिए, 281 का स्टॉप लॉस अब लगा सकते हैं। लवलेश, इनमें से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा हो? बिल्कुल, IB रियल इस्टेट करंटली एक ऐसा स्टॉक है, देखिए डीमोनेटाइजेशन और फॉल इन इंटरेस्ट रेट मेरे ख्याल से आगे जाके होगा, बट इनका जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहेंगे मेरे ख्याल से रियल इस्टेट और स्टॉक्स ही रहेंगे। 68-69 के लेवल्स स्टॉक में ऐसे हैं जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग हमने बाइंग मोमेंटम भी देखा है, जिस तरह से डेरिवेटिव्स डेटा आया है मेरे ख्याल से स्टॉक में आप एक शॉर्ट कवरिंग जिसे बोल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में भी देखेंगे। स्टॉक में शॉर्ट टर्म में मोमेंटम 74-75 तक के बन सकता है, रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, 68 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लेकर चलें। दूसरा आपने कि स्टॉक बोला MT एडुकेयर, ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से ये उन ट्रेडर्स को भी काफी अट्रैक्टिव लगेगा जो पोजिशनल बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं। स्टॉक 105-106 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से रिवर्स हुआ है, लास्ट टाइम वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ मोमेंटम टेकिंग स्टॉक टू 180-175 प्लस लेवल्स, इट्स अ सेकंड अपॉर्चुनिटी फॉर लेट एंट्री बायर्स, मेरे ख्याल से स्टॉक में आप बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे स्ट्रेच रहेगा बट काफी फेवरेबल रहेगा पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, 106 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऑन द हायर साइड 150 तक के इसमें लक्ष्य रहेंगे। तो चलिए इंटरडॉक की कॉल्स तो आपने जानी है, फेसबुक के कुछ दर्शकों के भी सवाल शामिल कर लेते हैं। फेसबुक पर हमें सवाल भेजा अविनाश त्रिपाठी ने लखनऊ से, इनकी क्वेरी है 200 शेयर्स हैं गति के लवलेशन के पास जो कि 145.5 पर खरीदे हुए हैं, लॉजिस्टिक शेयर में ऑलरेडी इस साल क्योंकि GST काफी हद तक फोकस में था, एक अच्छी रैली देखने को मिली, फिलहाल इन स्तरों पर गति कैसा लगता है आपको, इन्हें नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए अभी? नीचे मैं एक स्टॉप लॉस दूंगा जो इनको लगाने की सलाह रहेगी, ऑन द लोअर साइड 93 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो भी एक GST से लेकर एक सेंसेशनलाइज हुआ था, हमने इन स्टॉक्स में तेज़ी देखी थी, अगर आप देखें तो सेम वो लेवल है जहां से इन स्टॉक्स ने रैली दी थी, तो एक और मोमेंटम बन सकता है बेसिकली उनके लिए जो सेकेंड टाइम इस स्टॉक में बाय करें, पोर्टफोलियो में एडिशन होगा कुछ अट्रैक्टिव लेवल्स पे, तो इनको इसलिए स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। 93 के नीचे अगर ये स्टॉक क्लोज होता है तो आप एग्जिट हो सकते हैं, वरना बने रहिए, शॉर्ट टर्म में फिर भी एक पुल बैक मिल सकता है मेरे ख्याल से ऑन द हायर साइड, आपकी कॉस्ट तो काफ़ी दूर है बट 125-126 तक के आएगा, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर्स हैं तो आप इसको थोड़ा नज़रिया लंबा कर सकते हैं, वरना 93 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा कर रखें। ठीक है अब देख ले लिया है तो चिंता ना करें, अभी बजट और बहुत कुछ आना बाकी है, लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 93 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें से निकल सकते हैं। चलिए फिलहाल इतने शेयर्स पर बातचीत हो पाएगी, लवली शुक्रिया आपका समय निकाला आपने, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जी, जो भी स्टॉक्स की हमने बात करी है मेरी पर्सनल उसमें कोई होल्डिंग नहीं है, मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड करे हो। ओके, थैंक्स अ लॉट लवलेश, फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, फिर लौटेंगे कल, बताएंगे दिन भर का हाल और टॉप 20 स्टॉक्स। We'll be right back.